तो इसके अंदर की स्टफिंग देखो कितनी जूसी है। ओए होए भाई साहब, ये लग रहा है भाई टक्कर देने वाले मोमोज है, लग रहा है पूरी टक्कर दे सकते हैं मोमोज। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, मैंने घर पे ही थोड़ा स्ट्रीट फूड बनवाया था। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मोमोज खाने का। और जहाँ मैं रहता हूँ फरीदाबाद में सेक्टर 37 में, गोलू के मोमोज जो सेक्टर 37 में रहते हैं उनको पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है वो। मैं उसके मोमोज का दीवाना हूँ, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, मेरे फेवरेट मोमोज है वो। तो वो बनाता है आटे वाले मोमोज। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वो आटे वाले मोमोज खाने की, तो मैंने बोला क्यों ना आज आटे वाले मोमोज बनाए जाए, बट डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा हेल्दी वे में। सो हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा हेल्दी वे में कुछ मोमोज। पहले हम क्या करेंगे, पनीर भुर्जी बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें स्टफिंग करेंगे पनीर भुर्जी की, और वो होंगे पनीर भुर्जी मोमोज। उसको स्टीम करेंगे, देन ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनते हैं मोमोज, अगर अच्छा लगा तो आप भी बना सकते हो अपने घर पर। तो दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। आपको पता था हेल्दी मोमोज बन रहे हैं, सो हम मिर्च कम रख के टमाटर वगैरह ज़्यादा रख रहे हैं, बाकी स्पाइसी ये भी रहेगा, बट वो जो होता है ना बीज जो होते हैं जो नुकसान करते हैं वो चीज़ नहीं होगी इसमें। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखते हैं एंड तक। पीस लेते हैं और बनाते हैं चटनी। चटनी रेडी करके उसके बाद पनीर भुर्जी बनाएंगे और उसको स्टफ़ करेंगे जो हमारा आटे वाला बेस है उसके अंदर। तो पहले इसको बनाते हैं। चटनी रेडी हो चुकी है, कितना प्यारा कलर आया है। तो करते हैं अपना दूसरा काम। आप चॉप हो चुकी हैं अपना अनियन, कैप्सिकम एंड थोड़ा सा धनिया। तो इसका बनने जा रहा है इधर पनीर भुर्जी। तो पहले मम्मी ने प्याज डाल दिए, इसी के ऊपर ही मम्मी कैप्सिकम डाल दोगे, थोड़े रुक के डालोगी? नहीं, सारा साथ साथ पड़ेगा। काफी प्याज, हरी मिर्च कर लेंगे इसको, थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, ये फिर थोड़ी देर में डाल देंगे। इसको पकाना नहीं है। अच्छा, ओके, हमें ये कैप्सिकम वगैरह भी पकाना है, क्रंची रखना है। अच्छा, क्रंची रखना है थोड़ा सा, ठीक है। वैसे आपने पहले बनाया मम्मी ये वाले मोमोज, मतलब मोमोज तो आपने ये बनाए हैं, बट ये वाले ट्राई करें? नहीं, बंद गोभी डाल करके बनाया मैंने। ओके, बंद गोभी और पनीर का मिक्स करके, ये पहली बार है। ठीक है, तो नई नई चीज़ें ट्राई कर देनी चाहिए। पिछले लॉकडाउन में भी मुझे याद है हमने कितना कुछ, मम्मी मैंने आपसे बनवाया था पिज्ज़ा, कम से कम ने 10-15 बार तो पिज्ज़ा खा लिया होगा, मोमोज बनवाए थे, बर्गर बनवाया था, हर चीज़ खाई हमने बाहर की, लेकिन घर पे। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सेफ रहें, जो खाने का मन करे अपनी माँ को बोल दें वो बना देंगी, क्योंकि सबसे बढ़िया शेफ हमारी माँ ही होती हैं। ऐसा मैं कैमरे के लिए बोल रहा हूँ, पीठ पीछे मेरी माँ मेरे को गालियाँ देती हैं, वो बात अलग है। बहुत गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि बदतमीजी करता है, इसलिए गालियाँ पड़ती हैं। तो नमक स्वाद अनुसार, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी माँ को सिखाया है। पहले मेरी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता था, जब से मैं हूँ जब से मैंने सिखाया। क्या खुशबू आ रही है कैप्सिकम की और अनियन की मिक्स होने की। हल्का तो चाट मसाला लगा दे ताकि थोड़ा खट्टा बना दे। तो मोमोज थोड़े जूसी होने वाले हैं, मोमोज जूसी रहे इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब स्पेशली उसमें कैबेज नहीं डलवाया, पनीर ही डाला है ताकि थोड़े से जूसी मोमोज बने, उसमें कोई एक्स्ट्रा सोयाबीन वगैरह भी नहीं डाला है ताकि जूसी मोमोज बने, आपको फील हो सके कि हम किसी प्रीमियम जगह से खा रहे हैं। तो अब जो भी पनीर मैं लेकर आया था उसमें पनीर डलेगी, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मन कर रहा है इसी को निकाल के खा लिया जाए। स्टफिंग के लिए पनीर रेडी हो चुका है, मैं आपको पहले बता दूं इसको पूरा नहीं पकाना है, पूरा पनीर भुर्जी का पूरा नहीं बनाना है कि आप पूरा एकदम येलो और ब्राउन कर दो, आपको इतना रखना है कि आप स्टफिंग कर पाओ, वरना फिर स्टफिंग होगी नहीं ठीक से और स्टफिंग फट जाएगी। तो ये थे कुछ टिप्स, मम्मी के टिप्स जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसको स्टफिंग करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ज़्यादा मुश्किल होता है स्टफिंग करके इसकी शेप बनाना, तो मम्मी को नॉर्मल वाली शेप आती है, जैसे नॉर्मल मोदक वाली शेप होती है वो मम्मी को आती है बनानी, तो मैंने कहा वही बना दो।
बाकी एक मैं दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, देखो कितनी बढ़िया शेप आई है, तो ऐसी होती है बाहर। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर तोता और अलग अलग तरह की शेप है, तो मैंने कहा मैं नॉर्मल शेप ही बनाता हूँ आप इससे अच्छा। तो अब पूरे बन जाए फिर उसके बाद टेस्टिंग की बारी, टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कैसा है इसका टेस्ट। तो देख सकते हो कितने बड़े बड़े मोमोज बन रहे हैं, अच्छे खासे साइज के, तो मज़ा आने वाला है आज। बनाते हैं इसको अच्छे से और उसके बाद आपको दिखाते हैं। अगर इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया था, हमारे पास इडली वाला तो स्टीमर है बट मोमोज के लिए स्टीमर नहीं है, तो हमने क्या जुगाड़ लगाया, नीचे पतीला बोल सकते हो, भगोना बोल सकते हो, उसमें पानी डाला, देन ऊपर ये छेद वाली थाली होती है इसको रख दिया। अब इसको ऊपर से ढक देंगे, अभी पूरा फेल हो जाएगा, तो उसके बाद बढ़िया मोमोज बनके तैयार हो जाएंगे। तो यार वेट कर रहा हूँ अपने मोमोज का, रेडी होने वाले हैं, रेडी होकर के टेस्ट करूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊँगा। जब तक पीछे मेरी वीडियो चल रही है, दिखाता हूँ आपको, पीछे मेरी वीडियो चल रही है, तो आप लोग भी जाओ और जल्दी से पुरानी वीडियोस, पहले ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद पुरानी वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे को लगता है ऐसे बनाई हैं। अगर आपको लगता है तो आप देखना और लाइक ज़रूर करना अगर अच्छे लगे तो, और जो भी वीक पॉइंट लगता है वो कमेंट करके बताना कि आप ये चीज़ ठीक कर सकते हो अपनी, तो हम उसको डेफिनेटली ठीक करेंगे, हर कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। सो जाओ इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। तो देखो मोमोज का कलर चेंज हो चुका है, इट मींस ये रेडी हो चुके हैं खाने लायक। तो अब निकालते हैं और सर्व करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कैसा बने मोमोज। तो ये हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो। अब मेरे को हमेशा आदत है इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाने की, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, चाट मसाला स्प्रिंकल करने से ना टेस्ट और बढ़ जाता है। तो जब भी आप मोमोज खाओ चाट मसाला ज़रूर डालना। तो ये चटनी तो होममेड है बट मैं मेयोनीज बाहर से लेकर के आया हूँ, तो मेयोनीज भी रख लेते हैं इधर थोड़ी सी साइड में, क्योंकि मेरे को मेयोनीज भी अच्छी लगती है, वेज मेयोनीज है, बता दूँगा, वेजिटेरियन हूँ, वेज मेयोनीज ही खाऊँगा। अब टेस्ट करके देखते हैं, पहले आपको ना इसके अंदर की स्टफिंग दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो इसके अंदर की स्टफिंग देखो कितनी जूसी है, ओए होए भाई साहब, ये लग रहा है भाई टक्कर देने वाले मोमोज हैं, लग रहा है पूरी टक्कर दे सकते हैं मोमोज। मजा आ गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोमोज ऐसे बनेंगे, बट मेयोनीज के साथ और चटनी तो भाई साहब ऑसम। बट अगर आपने ये मोमोज खा लिए सारे मोमोज भूल जाओगे यार, इतने जूसी, और अंदर देखो पनीर की स्टफिंग, ओए हाय भाई साहब। मुझे पता है लॉकडाउन में आप लोगों को मिल नहीं रहा ये चीजें खाने के लिए और आपको लालच भी आ रही होगी, बट जैसे मैंने अपने घर पे बनवाया वैसे आप भी बना सकते हो। सारी की सारी रेसिपी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मजेदार, इस लॉकडाउन में एक दो बार और बनाऊंगा उनमें से। तो मैंने तो टेस्ट कर लिया, मैंने तो टेस्ट कर लिया, अब विनय ट्राई करके बताएगा इसको कैसे लगे ये मोमोज। बाकी मुझे पता है बहुत ही औसम मोमोज बने, अब विनय ट्राई करेगा इसको। तो गरम ज्यादा ही है। हाँ भाई टेस्ट करके बता। अबे गरम है, चुप कर, चल गया। हाँ गरम है, जब ही तो मैंने धीरे धीरे खाया है, तो एकदम से खाएगा तो ऐसे ही होगा ना। तो मोमोज का टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर अच्छा लग रहा है देखने में, बट हाँ अच्छा है, पका हुआ ऊपर तक भी। अब बता टेस्ट। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं खाने बंद कर रहा हूँ, वीडियो बंद करो भाई, बहुत अच्छा ही है। तूने बंद करो, तूने गोलू के मोमोज खाए हैं? हाँ। उसको टक्कर दे रहा है जिस तरह से घर पे बना, उस हिसाब से मैं कहूँगा गोलू के मोमोज के सामने कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि वो प्रोफेशनली वर्क कर रहा था उसके हाथ में अलग ही बात है। स्पेशली उसकी चटनी अच्छी होती है, वो दो तरह की तीन तरह की चटनी रखता है। बाकी जो ये बना है सारे मोमोज फेल हैं इसके आगे। मैं भी कह रहा हूँ कि अगर गोलू अगर दुकान ना चला रहा होता तो ये उसके आगे ये 100 एंड गोलू 0 हो जाता, अगर गोलू प्रोफेशनली वर्क ना कर रहा होता तो। हाँ अगर गोलू घर पे बना रहा होता तो इससे ज्यादा अच्छे नहीं बना सकता था। बहुत ज्यादा टेस्टी मोमोज बने हैं, मैं सारी रेसिपी आपको बता चुका हूँ,
तो जाओ और अपनी मम्मी का दिमाग खाओ कि मेरे लिए मम्मी मोमोज बनाओ, मम्मी को ये वीडियो दिखाओ और अरे ये तो राइम हो गया तो और मोमोज बनाओ और खाओ और सबको टेस्ट कराओ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और इतने बढ़िया मोमोज के लिए लाइक तो बनता है यार, कर दो। और आपने ट्राई किया नहीं किया और ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मोमोज कैसे बने। और चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं क्या बनाते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।